तारीख थी 29 नवंबर 2005। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय भावरकोल ब्लॉक के सियासी गांव से क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर घर लौट रहे थे। जैसे ही उनका काफिला बसनिया चट्टी के पास पहुंचा, मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गों ने उनके काफिले को घेर लिया। इससे पहले कि कृष्णानंद राय कुछ समझ पाते, पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मुख्तार के गुर्गों ने उनके काफिले पर AK-47 से गोलियों की बरसात कर दी। कहा जाता है कि मुख्तार के गुर्गों ने इस दौरान करीब 500 राउंड फायरिंग की। इसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में कृष्णानंद राय के शरीर से 21 गोलियां निकली। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को भाजपा के विधायक थे कृष्णानंद राय, जिनकी की हत्या हुई थी गुड़ौर गांव में। उस हत्याकांड में भी ऐसा कहा गया कि मुख्तार अंसारी साहब के लोगों ने ही उनको मारा है। मुख्तार अंसारी और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की अदावत कोई 3 साल पुरानी थी। यह सियासी अदावत थी और इसकी शुरुआत साल 2002 में विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी, जब मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा था। तब बीजेपी के टिकट पर कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी को उसी के गढ़ में चुनौती दी। नतीजा आया तो कृष्णानंद राय जीत चुके थे और अफजल अंसारी की हार हो चुकी थी। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी अपने भाई की सियासी हार को पचा नहीं पाया और ऐसा बौखलाया कि कृष्णानंद राय और उनके समर्थकों को चुन चुन कर निशाना लगाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि मुख्तार के इशारे पर फरवरी 2004 से नवंबर 2005 के बीच कृष्णानंद और उनके खेमे के 15 लोगों की हत्या हुई और ज्यादातर मामलों में नामजद मुख्तार अंसारी ही रहा। फरवरी 2004 में कृष्णानंद राय के करीबी अक्षर राय की हत्या, 24 अप्रैल 2004 को कृष्णानंद राय के करीबी झिनकू की हत्या, 2024 मई में बीजेपी कार्यकर्ता शोभानाथ राय की हत्या, 27 अप्रैल 2004 को दिलदार नगर में राम अवतार की हत्या, 2004 में ही कृष्णानंद राय के करीबी अविनाश सिंह पर फायरिंग। अक्टूबर 2005 में मुख्तार ने एक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए सुपारी दे दी, फिर एक मामले में अपनी जमानत रद्द कराकर जेल पहुंच गया। इसके ठीक महीने भर बाद नवंबर महीने में कृष्णानंद राय को मौत के घाट उतार दिया। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार के गुर्गे मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया। कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मुन्ना बजरंगी के अलावा शूटर अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर, संजीव उर्फ महेश्वरी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, विश्वास नेपाली और रिंकू तिवारी शामिल थे। इनमें मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे और रिंकू तिवारी मारे जा चुके हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय की जीत उनकी हत्या की वजह बनी, क्योंकि मुख्तार और अफजल ने इसे अपने लिए चुनौती माना और नतीजन उनकी सरेआम हत्या करवा दी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी नामजद तो हुआ, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते बचता रहा। गवाहों की कमी ने मुख्तार को हर बार बचा लिया। कहा जाता है कि कुदरत के घर देर होती है, अंधेर नहीं। मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय के बेटे इसे कुदरत का इंसाफ मान रहे हैं। बस ये बाबा गोरखनाथ बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ। तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आदिताई का यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके कारनामों की कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।